वहीं ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देश इस नए वेरिएंट के कारण अब सख्ते में हैं। कहीं लॉकडाउन लग रहा है तो कहीं लग गई है इमरजेंसी। दुनिया कह रही है ओमिक्रॉन से डर लगता है। ओमिक्रॉन ने दुनिया को हिला दिया है। नीदरलैंड में ओमिक्रॉन के डर से लग गया है लॉकडाउन। बार, रेस्टोरेंट, गैर जरूरी चीजें, सिनेमा, थिएटर, सार्वजनिक जगह सब 5 बजे ही बंद हो जाएंगे। I think it's going to be happening all the time. It's going to mutate and we have to be prepared for that. After this variant, new variants will come. नीदरलैंड्स उन देशों में शामिल है जहां कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ऐसा ही दूसरा देश है चेक रिपब्लिक, जहां ओमिक्रॉन के डर ने संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। दरअसल यहां नए राष्ट्रपति पीटर फाइला चुने गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति मिलोस जिमन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में शपथ ग्रहण पर ही संकट था। रास्ता ये निकाला गया कि राष्ट्रपति को ग्लास केबिन में बबल बनाकर लाकर शपथ का कार्यक्रम किया गया। इजराइल ने तो अपने आप को सील पैक कर लिया है। सिर्फ इजरायली नागरिकों को छोड़कर बाहर से किसी भी यात्री के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। इजराइल भी उन देशों में शामिल है जहां ओमिक्रॉन का केस मिला है। इसके बाद इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन के केस मिले हैं, जिसके बाद ब्रिटेन में मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। See family and do the normal everyday things that we've missed out on. दक्षिण अफ्रीका वो पहला देश है जिसने ओमिक्रॉन के बारे में दुनिया को आगाह किया। अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने चौथी लहर के खतरे की चेतावनी दे दी है। We have seen an average of 1,600 new cases in the last 7 days, compared to just 500 new daily cases in the previous week. And 275 new daily cases the week before that. The proportion of COVID-19 tests that are positive has risen from around 2% to 9% in less than a week. If cases continue to climb, we can expect to enter a fourth wave of infections within the next few weeks. दक्षिण अफ्रीका से जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ओमिक्रॉन के म्यूटेशन बाकी वेरिएंट से कहीं ज्यादा हैं। ओमिक्रॉन को मौजूदा टेस्ट से पकड़ा जा सकता है। ये वेरिएंट बीटा या डेल्टा से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, 12 देशों में इस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से ही केस रिपोर्ट हुए और ऐसे में लक्षणों की सबसे बड़ी सूची, सबसे पहली सूची जो है वो वहीं से आई। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण क्या क्या हैं, यानी कि ये वेरिएंट किस तरीके से आपके शरीर पर असर डालता है। पूरे बदन पर इसका असर होगा, मांसपेशियों में दर्द होने की शिकायत होगी, बदन में थकान भी रहती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, साथ ही हल्की खांसी रहती है। कोरोना की ही तरह गंध या स्वाद नहीं होता। आप इसके साथ ही बता दें, डेल्टा के मुकाबले लक्षण कम दिखाई देते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है, जो सूची तैयार की गई है, उसमें ये सिम्टम्स हैं इस वेरिएंट को लेकर के, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।